हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि गणेश भगवान को तुलसी चढ़ाना क्यों अशुभ होता है, या फिर ये कहिए कि तुलसी को गणेश भगवान को क्यों नहीं अर्पित किया जाता। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि एक बार गणेश भगवान गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे कि तभी तुलसी जी वहां पर आ जाती हैं और उनके अनोखे रूप को देखकर उन पर मोहित हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त शास्त्रों के अनुसार गणेश भगवान जी ने शरीर पर चंदन का लेप किया हुआ होता है और वे रत्न जड़ी सिंहासन पर विद्यमान होते हैं। उनके गले में रत्न व मणियों की माला शोभित हो रही होती है। वे अपने शरीर पर रेशमी पीताम्बर धारण किए होते हैं। इन सबसे मोहित होकर तुलसी जी गणेश जी की तपस्या को भंग कर देती हैं। वह उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। तपस्या के भंग होने पर गणेश भगवान जी क्रोध में आ जाते हैं और स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। विवाह का प्रस्ताव ठुकरा जाने पर तुलसी जी गणेश जी को श्राप देती हैं कि उनके एक से अधिक विवाह हों। तो इस पर गणेश भगवान जी भी तुलसी के श्राप दिए जाने के कारण, यानी बिना विचारे उन्हें श्राप देने के कारण, उनका विवाह एक असुर से होने का श्राप दे देते हैं। लेकिन जब तुलसी जी को अपनी भूल का एहसास होता है तो वे गणेश जी से क्षमा मांगती हैं। तो तब गणेश भगवान जी उन्हें क्षमा कर देते हैं और उन्हें तुलसी रूप में ही भगवान विष्णु प्रिया के बनने का आशीर्वाद देते हैं। वह शालिग्राम यानी विष्णु भगवान का ही एक रूप में उनकी पत्नी बनने का आशीर्वाद देते हैं, परंतु अपनी पूजा में उनका चढ़ाया जाना या तुलसी का अर्पित करना अस्वीकार कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको प्लीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई